सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम भूपेंद्र सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जो कि है द वीकेंड ट्रैवलर। आज जहाँ पे हम आए हैं वो एक लोकेशन, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये पानचेत में है और पानचेत के ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि थोड़ा सा आइसोलेटेड है ये लोकेशन। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो यार आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा चलते चलते। लेकिन पहले कवर करते हैं रास्ते का शूट और मिलते हैं आपको रास्ते में। सो गाइज, इस टाइप का शैले है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, उस तरफ है। तो ये एक आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि खाली है अभी, क्योंकि हमारे में तो पूरा सामान भरा हुआ है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें इस तरफ सामान रखने का एरिया है और यहाँ पे स्लीपिंग एरिया है। उसके बाद फैन भी है इसमें, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से जो व्यू है आपको वो पहले दिखाता हूँ। इसमें दाल है, पापड़ है, दाल, पनीर, चपाती एंड राइस, सो राइस, पापड़, सॉरी क्या होता है इसको, सैलेड, पापड़। थैंक यू। सो हे गाइस, जो पहली एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो है कायाकिंग। तो ये देखो आप, यहाँ पे कायाक लगी हुई है दो दो। What's up? सो ये दो कायाक हैं और यहाँ पे हम कायाक करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, थोड़ा करंट बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट देन जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो कामनेस है, जो यहाँ पे बहुत पीसफुल लग रहा है यहाँ पे काफ़ी एकदम। यहाँ पे आओ, आप बैठो यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आएगा। बट सबसे पहले कायाकिंग करते हैं, उसके बाद आपको मैं बाकी की धीरे धीरे चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं और कितना दूर है ये और कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो। तो कनेक्टिविटी का इतना इशू नहीं है, आप अपनी खुद की व्हीकल में आ सकते हो, बाइक या कार किसी में भी आ सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। और ये लोकेशन देखो जो आपको एकदम गोवा की वाइब देता है, ये देखो, ये पाम ट्रीज, हवा चल रही है एकदम, ये रास्ता और ये जैसे लग रहा है बीच है साइड में। सो अब मिलता हूँ सीधा आपको कायाकिंग पे। सी यू गाइज, मज़े करो। सो गाइज, आई एम ऑल सेट फॉर कायाकिंग। सर अभी हमारी कायाक तैयार कर रहे हैं। दो कायाक हैं, जो ये वाली है वो सिंगल वाली है और इसमें दो लोग एक साथ कायाक कर सकते हैं। तो पहले हमारे पंटर लोग। सो गाइज, हाउ एक्साइटेड आर यू? सो पहले ये लोग जा रहे हैं, फिर मैं जाऊँगा। आई एम डूइंग कायाकिंग राइट नाउ, आई एम रियली एक्साइटेड। थोड़ा सा हिल रही है क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा है। और यही देखो, ये वो चैलेंज हैं जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये वाले। और ये है यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू बहुत बड़ा, वो फ्रंट से आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। बट देन सी दिस, ये टेंट्स हैं और ये हम हैं और ये हमारी कायाकिंग हो रही है गाइस, कायाकिंग। सी यू, इन्जॉय द शॉट्स। सो गाइज, फाइनली वी आर डन विद कायाकिंग एंड स्विमिंग और फ्लोटिंग जिसको बोल सकते हो आप। मज़ा आया काफ़ी। और अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा चाय कॉफ़ी लेने के लिए एंड आई गेस स्नैक्स वगैरह भी हैं। तो चलते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, वैसे इन दो ठंड लग जाएगी, बीमार नहीं होना है अभी, वायरल वैसे ही चल रहा है बहुत ज़्यादा। चलते हैं, मिलते हैं सीधा हाईटी पे। सी यू गाइज। हे पीपल, इट्स टाइम फॉर द बॉनफायर। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे और यहाँ पे है बॉनफायर, मेरे जस्ट सामने है, दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज द बॉनफायर टाइम, से हाय गाइस। हाय। और
रात में व्यू देखो जहाँ पे हम रुके हैं उसका। सो दीज आर द सैलेड्स और यहाँ पे देखो बॉनफायर हो रही है, काफ़ी सही दिख रहे हैं। एंड सो गाइस डिनर में है ये मटर पनीर लग रहा है, दिस इज़ दाल, ये नॉन वेज है इनकेस अगर आप नॉन वेज खाते हो, वेज के भी ऑप्शन है यहाँ पे, राइस, पापड़ और इसमें है चपाती, इसमें है दिखा देता हूँ एकदम ऐसे ट्रेडिशनल वे में इनको रखा गया है, गर्म रहता है इस पर क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये। बाकी अचार है यहाँ पे एंड सैलेड है। टूटते हैं जल्दी गाँव वालों, टूट पड़ो। शर्मा रही है लड़की हमारी। सो हे गाइज गुड मॉर्निंग एंड आज डे टू है और अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो ब्रेकफास्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या है आज ब्रेकफास्ट में और आज का जो एक्टिविटीज़ होंगी वापस हम लोग स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स नॉट वाटर स्पोर्ट्स बट कायाकिंग वगैरह एंड फ्लोटिंग वगैरह करने जाएंगे वापस से। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में, फिर चलते हैं सीधा पानी में। सो हे पीपल, हम लोग आ चुके हैं वापस से कायाकिंग करने के लिए। सोच रहे कायाकिंग करते हैं एक बार और लास्ट टाइम, क्योंकि आज निकलने का भी दिन है तो कायाक करते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी अच्छा था यार। तो ब्रेकफास्ट में पनीर भुर्जी थी, इनकेस अगर आप नॉन वेज खाते हो तो अंडा भुर्जी भी मिल जाएगा आपको, बट देन हमने सोचा कि सुबह सुबह थोड़ा सा हेल्दी, वो भी हेल्दी है बट देन सोचा कि आज वेज से शुरुआत की जाए। तो मैगी भी खाई हम लोगों ने एंड उसके बाद अंडा सॉरी पनीर भुर्जी थी और पोहे थे, इनकेस अगर आप पोहे खा सकते हो, पोहे खाने हैं तो आप पोहे भी खा सकते हो। ब्रेड टोस्ट था, जैम, बटर, चाय, कॉफ़ी, जो भी चाहिए आपको वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलो यार कायाकिंग करते हैं वापस से, मिलता हूँ आपको सीधा पानी में, सी यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हे गाइस, ये रहा हमारा ड्रोन, लेते कुछ ड्रोन शॉट्स और वो देखो हमारा बंदा बंदी ड्रोन्स वो कायाकिंग कर रही है, लेते हैं उसके शॉट्स, ये एंजॉय करो, बताना कैसे लगे। सो गाइज कायाक और फ्लोटिंग तो कर ली है, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं और यहाँ पे ही शार और मतलब बेसिकली वॉशरूम एंड शार वगैरह है यहाँ पे। आप चाहिए तो मतलब अगर आपको चेंज करना है तो टेंट की जगह पे, मतलब टेंट में कभी कभी कैसा होता है कि एक लोकेशन पे मैं गया था वहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं था, सिर्फ वॉशरूम था वहाँ पे, तो जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, एक मिनट रुको आपको दिखाता हूँ। ये देखो शार, फटाफट से रेडी होते हैं फिर मिलते हैं। हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेश होने के बाद और अभी वैसे एक बज चुका है, टाइम हो गया है जाने का, बट थोड़ा सा एक आपको रूम दिखाना था इनकेस अगर आपको टेंट में नहीं रुकना है, क्योंकि किसी किसी का प्रेफरेंस होता है कि टेंट में नहीं रुकना है क्योंकि उसमें वॉशरूम अटैच नहीं होता। तो यहाँ पर एक रूम की भी फैसिलिटी, यहाँ पे रूम्स भी हैं, अगर आप आते हो तो यहाँ पे फैमिली के साथ पूरा रूम्स में भी रह सकते हो, तो वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं तो नहीं रुका हूँ यहाँ पे, बट इन केस आप प्लान करते हैं यहाँ पे आने का फैमिली के साथ एंड इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन टेंट तो दिस रूम इज़ फॉर यू गाइज़, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम वगैरह अटैच है
और जो टेंट में है उनके लिए वो अलग से वॉशरूम एरिया बनाया हुआ है, चेंजिंग रूम है, वॉशरूम है, शावर है, सब है वहाँ पे। तो पहले ये वाला एरिया आप देख लो, उसके बाद बाकी निकलेंगे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा और आपको बताऊँगा यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी और यहाँ पे जो मेन इसका अट्रैक्शन है क्या है वो सब मैं बताऊँगा। तो पहले आप ये रूम जाके देखो, जिस रूम की मैं बात कर रहा था वो दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा है, आ जाओ दिखाता हूँ आपको मैं। सो आई गेस दिस इज किंग साइज बेड, किंग साइज बेड पूरा अच्छे से यहाँ पे बना हुआ है, बहुत काफी ब्रॉड है। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, चाय कॉफी पीनी हो तो। विंडो है, अभी मैंने खोली नहीं है, बट यहाँ से व्यू आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे इनकेस कुछ कपड़े वगैरह अगर आपको सुखाने हैं, दिस इज द वॉशरूम, सेम विंडोज है यहाँ पे, एंड वॉशरूम भी काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। चलो पास से दिखाते हैं इसके लाइट्स। हाँ तो काफी ब्रॉड है ये भी, अच्छा खासा। और इसकी मेन खासियत ये है कि यहाँ से जो आपको व्यू आता है, अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो उसका व्यू आपको पहले मैं दिखाता हूँ। चलो वो रूम के बाहर ही अगर देखा जाए तो छोटा सा डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हो इसको, या फिर यहाँ पे अगर आप कैरम वगैरह भी खेल सकते हो, यहाँ पे कैरम बोर्ड रखा हुआ है। और यहाँ से जो व्यू है आप वो देखो, ये पूरा जो पीछे का लेक है, जो बैक वाटर्स है पूरा उसका व्यू आता है। ओह वाओ, बटरफ्लाई है यहाँ पे, ये देखो बटरफ्लाई देखिए। सो ये देखो पूरा बैक वाटर्स का यहाँ पे पूरा व्यू मिलेगा। ये वो एरिया है जहाँ पे हमने कायाकिंग वगैरह की थी। एंड ये जो पाम ट्रीज दिख रहा है आपको, ये पूरा देते हैं भाई गोवा की वाइब यहाँ पे।